सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। पीएम मोदी ने की प्रीख्या से चर्चा, बोले बच्चों नाल गल करके मैनू भी पढ़न का मौका मिलता। मैक्सिको तो वड्डी खबर, अमरीकी सरहद नेड़े ट्रक चो मिले 57 लड़के लड़कियां, जांच मगरों गड्डी दे ड्राइवर नूं हिरासत विच लिया गया। हुण 4 तों 6 रुपए किलो सस्ती हो सकती है कणक, केंद्र सरकार ने लिया वड्डा फैसला, आटा मिल मालकां नूं कणक वेची जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रीख्या से चर्चा शुरू होने पर कहा कि वह विद्यार्थियों की ही नहीं मेरी भी प्रीख्या है, बच्चों नाल गल करते हुए मैनू भी पढ़न का मौका मिल जाता है, कुछ नवीं जानकारियां भी मिल जाती ने। राष्ट्रीय राजधानी स्थित तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में विद्यार्थियों नाल गल करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैनू यह प्रीख्या देने च बहुत आनंद आता है। उन्होंने कहा कि मेरी सब तो ज्यादा रुचि इस गल च रहती है कि अज का नौजवान की सोच रहा है। पीएम ने कहा कि हार्ड वर्क भी स्मार्ट होके किया जाए, सीखन से ज्यादा समा लगाया जाए, काम करने नाल कदे भी थकान नहीं होंदी, काम करने दे नाल मन नूं संतुष्टि मिलती है। दस दिए कि प्रीख्या से चर्चा शामिल होने लिए 38 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवा के एक रिकॉर्ड बनाया। 20 लाख विद्यार्थियों ने पीएम नूं सवालों की सूची भेजी है। इस प्रोग्राम नूं लेके विद्यार्थियों विच भी काफ़ी उत्साह से। प्रधानमंत्री ते विद्यार्थियों विचाले गलबात का यह सालाना प्रोग्राम प्रीख्या संबंधी तनाव के मुद्दों नाल जुड़िया। यह भी दस दिए कि प्रीख्या से चर्चा प्रोग्राम के पहले एडिशन की शुरुआत 16 फरवरी 2018 की गई। मैक्सीको तो एक बड़ी खबर सामने आई है, इतों के इमीग्रेशन अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने अमरीकी सरहद नेड़े एक हाईवे से ग्वाटेमाला के 57 गभरू मुंडे कुड़ियां एक ट्रक ट्रेलर में मिले ने। नैशनल इमीग्रेशन इंस्टीट्यूट ने दस्सिया है कि 43 लड़के ते 14 कुड़ियां ट्रक ट्रेलर में सवार सन, ते उन्हां नाल 8 पुरुष, एक औरत, उसकी धी भी सवार सी। सारे लड़के लड़कियां इकले सन, मतलब कि उन्होंने कोई रिश्तेदार ज मापे नहीं सन। टैक्सास के एलपासो तो पार उत्तरी सरहदी शहर सियोदास जुआरेज वाल जाने वाले हाईवे से वाहन नूं जांच लई रोकिया गया सी, ते जांच मगरों गड्डी के ड्राइवर नूं हिरासत में ले लिया गया। नाबालगा नूं बाल कल्याण केंद्र में ले जाया गया, बाकियों बारे जानकारी सांझी नहीं की गई। महंगाई के मोर्चे से आम आदमी को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कणक दी कीमतों में गिरावट आने की संभावना है। कारोबारी जगत और मंडी के सूत्रों अनुसार सरकार वालों 30 लाख टन कणक खुली मंडी में बेचण दे लए गए फैसले नाल कणक ते आटे दी कीमतों में 4 तों 6 रुपए प्रति किलो की गिरावट आ सकती है। कणक ते इस दे आटे दी वधियां कीमतों काबू करने लई सरकार ने अपने बफर स्टॉक तो 30 लाख टन कणक खुले बाजार विच वेचण दा ऐलान कीता है। कणक अगले 2 महीनों विच भारतीय खुराक निगम राही वख-वख माध्यमां राही वेची जाएगी, ते कणक आटा मिल मालकां नूं ई नीलामी राही वेची जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ते दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सांझे तौर ते अज सूबे नूं नवे मोहल्ला क्लीनिकां दी सौगात देण जा रहे ने, पर मुख्यमंत्री दी अमृतसर फेरी तो पहला नगर निगम प्रशासन ने अपनी छाप बनाउण लई सड़कां ते घूम रहे अवारा कुत्तियां नूं फड़ना शुरू कर दिता है। अमृतसर विच खाकी वर्दी एक बार फिर दागदार हुई है। खाकी वर्दी विच एक पुलिस मुलाजम वालों एक नौजवान नाल वड्डी ठगी मारन दा मामला सामने आया। पुलिस विच सब इंस्पैक्टर भर्ती कराउण नूं लैके पंजाब पुलिस दे एक मुलाजम वालों 12 लाख रुपए की ठगी मारी गई। पुलिस वाले वालों मारी गई ठगी का शिकार होए पठानकोट के रहण वाले नौजवान साहिल ने कहा कि वह पिछले साल पंजाब पुलिस विच सब इंस्पैक्टर की भर्ती नूं लैके अमृतसर विच पेपर देण लई आया सी, ते जदों वह वापिस अपने घर जा रहा सी तां उसनूं कॉन्सटेबल रिक्वायरमेंट सैल तो फोन आया कि जिहड़े नौजवान भर्ती होण जा रहे उन्हां दी लिस्ट उसके हथों ही तैयार होनी है।
ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਜੇ ਆ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਰਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। जी मैं अमृतसर अपना पंजाब पुलिस का जिहड़ा पेपर देन आया ही, जिहड़ा अपना हुण पिछे होया ही सितंबर च, ते मैं अपना पेपर दे के जा ही रहे थे बस स्टैंड ते, इत्थे मैनूं हरप्रीत जिहड़ी कुड़ी मिली, इन्हें मैनूं कहन लगे कि अही जिहड़ा इत्थे नौजवान आए इन्हां दा ही सर्वे कर रहे हैं, जिहड़े बेरोजगार मुंडे इत्थे पेपर देन आया, ते इन्हां ने मेरे तो मेरा फोन नंबर लै लिया, ते तकरीबन 2 महीने बाद इन्हां दा कॉल आई मैनूं व्हाट्सएप ते, कहन लगे कि अही पुलिस लाइन अमृतसर तो बोलते पे हाँ, ते ਮੈਂ ਆਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਕੋਂਸਟੇਬਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਅਤੇ ਆਹੀ ਉਦੋਂ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਗੇਟ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਂਸਟੇਬਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਂਸਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ DGP ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ, ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੈਸ਼ 12 ਲੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ 10 ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਨੰਬਰ 29 'ਚ। ਕੀ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ? ਹਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਾ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 3900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕ BJP ਦੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਤੇ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਲਸੇਲ ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 50 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਫਾਂਦ ਕੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਟੱਪ ਕੇ ਚੋਰ ਗ੍ਰਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਚੰਦ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਟਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। SGPC ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਸੂਰਤ ਮੱਲੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬੀਨਾਗੁਰੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੀ ਉਸਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਸੂਰਤ ਮੱਲੀ ਵਿਖੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਖ ਨਮ ਹੋਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
इस मौके स्टेशन हैडक्वार्टर अमृतसर के फौजी जवानों वालों शहीद करतार सिंह नूं सलामी दी गई। इस मौके बॉम्बे इंजीनियर 121 यूनिट के नायक सूबेदार सुरजीत सिंह, पंजाब के साबका उप मुख्यमंत्री हलका डेरा बाबा नानक तो विधायक सुखजिंदर सिंह रंधावा वालों शहीद करतार सिंह नूं फुल मालावां भेंट की गई। इस मौके करतार सिंह की चिखा नूं अग्नि उन्हां दे 10 साल के बेटे युवराज सिंह वालों दी गई। फौज के जवानों के अंतिम संस्कार च शामिल लोगों वालों शहीद करतार सिंह अमर रहे दे नारे गुंजाए गए। सैनिक करतार दे संस्कार मौके सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों के ना पहुंचन कारण परिवारक मैंबर पिंड वासियों के इलाके दे विच रोस की लहर पाई गई। अमृतसर के मोकमपुरा इलाके में तड़कसार झुग्गियों को अचानक अग लग गई, जिस कारण चार झुग्गियां जल के सुआह हो गई। जिस समय झुग्गियों को अग लगी उस समय लोग झुग्गियों अंदर सौ रहे सन। मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मेहनत के नाल अग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले सारा समान सड़ के सुआह हो चुका है। दस दिए कि जिस जगह अग लगी उत्थे महज थोड़ी दूरी से पुलिस थाना सी, पर पुलिस का कोई मुलाजम मौका देखने लिए नहीं पहुंचे। भावें कि सरकार वालों चाइना डोर वेचण ते पाबंदी लगाई गई है, पर इसके बावजूद भी चोर मोरिया राही इसकी विक्री की जा रही है, जिस कारण आम लोगों का काफ़ी नुकसान होता है। ताज़ा मामला सामने आया टांडा विखे, जिथे के पिंड बाबक के रहने वाले व्यक्ति सतपाल सिंह चाइना डोर की लपेट में आ गए, जिसनों 15 टांके लगे ने जो कि हस्पताल जेरे इलाज है। किसानी नूं कारपोरेटां दे अधीन करन ते पंजाब दी जवानी नूं तबाह करन लई पंजाब यूनिवर्सिटी लुधियाणा विखे सरों दे बीज दा ट्रायल शुरू कीता जा रहा है। BKU सिद्धूपुर दे दुराहा यूनिट ने भगत सिंह दे बुत उपर सरों दे फुल भेंट करदे उक्त सनसनीखेज प्रगटावा कीता, जिन्हां कहा कि इस सीड नाल सरों दा देसी बीज खत्म हो जाएगा ते किसानां नूं सरों दे बीज लई कारपोरेट घराणियां ते निर्भर होना पवेगा। उन्हां कहा कि केंद्र सरकार दी इस घिनौनी चाल नूं कामयाब नहीं होण दित्ता जाएगा। पंजाब लगातार सड़की हादसों में वाधा होता जा रहा है। नाभा ब्लाक के पिंड रोटी छन्ना विखे उदों हफड़ा दफड़ी का माहौल पैदा हो गया जो रात को तकरीबन 1 बजे बेकाबू तेल का टैंकर कंध तोड़ के एक घर में जा दाखिल होया। घर के अंदर बुजुर्ग सुता पिया सी, टैंकर बिल्कुल बुजुर्ग के मंजे की बाही से जाके रुकिया। इस दौरान इटा का मलबा बुजुर्ग से डिग गया, जिस कारण उसे काफ़ी गुजिया सट्टा लगिया। घर के परिवारक मैंबर ने बुजुर्ग पिता को बड़ी मुशक्कत के नाल मलबे हेठों कढ़िया। मौके पर कैंटर चालक ते उसके साथी फरार होने लगे तो उन्होंने पुलिस के हवाले किया गया। परिवारक मैंबर ने दोष लाया कि टैंकर चालक ने शराब पीती हुई सी, जिस करके वड्डा हादसा वापरिया। इस मौके पर रोटी पुलिस चौकी के इंचार्ज अमरीक सिंह ने दसिया कि हादसा देर रात वापरिया, घर के मालक का काफ़ी नुकसान होया। ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਤ ਦੀ 1 ਵਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਟੈਟ ਸੀ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟਰ ਜੀ। ਸਿੱਧੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਭਾਰ ਸੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਕਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? ਇਹ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਇਹ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜੀ। मनुखता की सेवा ही सब तो वड्डी सेवा है। नया युग नई सोच वैलफेयर सोसायटी पंजाब के चेयरमैन नीरज महाजन ने अपने साथियों नाल बिरद आश्रम पिंड लहल धारीवाल विच अपनी सोसायटी वालों लोड़वंद बजुर्गों नूं व्हील चेयर दे के गणतंत्र दिवस से बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर बिरद आश्रम के आगू पंकज सिंह ते नवनीत सिंह ने सोसायटी का धन्यवाद किया, सोसायटी द्वारा किए जा रहे कामों की शलाघा की। बॉलीवुड मशहूर अदाकार ते गायक अनु कपूर के प्रशंसकों लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। दसिया जा रहा है कि अनु कपूर नूं छाती च दर्द की शिकायत तो बाद हस्पताल विच दाखिल करवाया गया। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि हुण उसकी हालत स्थिर है ते वो ठीक हो रहे हैं। अनु कपूर के मैनेजर सचिन ने गलबात करदिया दसिया है कि अदाकार की छाती विच दर्द सी ते उसनूं निगरानी ते रखा गया सी ते उसनूं सवेरे ही हस्पताल दाखिल करवाया गया सी ते हुण उसकी हालत स्थिर है। We'll be right back.
भारत की स्टार खिडारन सानिया मिर्जा ते उना दे जोड़ीदार हमवतन रोहन बोपन्ना नू आस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूरनामेंट विच मिक्स डबल विच हार दा सामना करना पिया। इस तरह सानिया दा अपने ग्रैंड स्लैम करियर दा अंत खिताब नाल करन दा सुपना पूरा नहीं हो सकिया। सानिया ते बोपन्ना दी गैर दर्जा प्राप्त जोड़ी रोडे लेवर एरेना च खेडे गए फाइनल च लुइसा स्टेफनी ते राफेल मार्टोस दी जोड़ी तो 6-7-2-6 नाल हार गई है। खेड दी समाप्ति तो बाद सानिया ने ब्राजील दी जोड़ी नू जित लई बधाई दित्ती है, पर जदों अपने सफर बारे बोलन लगी तां टेनिस स्टार अपने हंजू रोक ना सकी। हुण नजर मारदे हां अज दे मौसम दे हाल दे वल। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाज़िर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाज़त, धन्नवाद।